ऐसे नज़ारा होता है रात के टाइम, फूल चमक रहे हैं और इसको देखें, ये फाड़ रहे हो सारे। आपकी शादी में सेज वगैरह थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस ये चार पाई थे। किस साल में शादी हुई थी? 2007। ये भिंडी जो बनी हुई है ना, जिस तरह हम बनाते हैं, ये उस तरह बनी हुई है, चेक करें जरा। अच्छा, कैसा लग रहा हूँ? ये देखें माशाल्लाह, फूल माहौल। आपने देखा तो नहीं होगा ना, मतलब मेरी शादी कैसी हुई, हमारी सेज कैसी थी। मैं थोड़ी सी आपको हकीकत बता दूं, हमारी शादी कैसी, मतलब मेरी घर वाली की रुखसती होनी थी, मैं उस घर में मौजूद था। आंधी आ गई, जल्दी जल्दी से दुल्हन ली और कार में बैठ गया। अब जहाँ जिस साइड पे अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो भी ऐसे ठीक है, मज़े में माशाल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। हुए कौंटे कौंटे। अभी हम जा रहे हैं मेहमानों के साथ थोड़ा टूर कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है मेहमानों के साथ घूमने फिरने का। वैसे तो आपको पता है मैं नहीं जाता, तो आज चल पड़े हैं। ये देखें, अभी रोड पे चल पड़े हैं, पीछे बैठे हैं अल्ताफ भाई। हाँ जी, सबको सलाम हो गया जी। और इसके बाद जी ये एक बैठा है, उसको नहीं पर वो जान जी, जी, जी। हाय। अच्छा जी, ड्राइव कर रहे हैं हनीफ भाई। अभी हम चलते हैं सीधा, यार गाड़ी तो भाग गई है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद हम चलेंगे अपनी मजेदार वीडियो की जानिब, लेट्स गो। फाटक पे हम पहुंच चुके हैं माशाल्लाह, लेकिन फाटक बंद है। आपको पता है मैं जब भी आता हूँ फाटक बंद होता है, ठीक है? आज भी बंद है, कोई ना, जूं देर जूं खैर, ऐसे ना। हाँ, और वो देखें मवेशी जा रहे हैं। वाह जी वाह, मवेशी नहीं जानवर। गाड़ी चल पड़ी है माशाल्लाह, अभी फाटक खुलने में बस थोड़ी देर बाकी है, थोड़ा सा वेट, आगे बढ़ते हैं फिर। चौक पे आ रेडी हम पहुंच चुके हैं माशाल्लाह, और यहाँ से आप सब्जी शॉप पे जाना है? नहीं, वो आगे है ना, आगे आगे चलो, इसके पास आगे चलो, आगे चलो। आज नहीं बढ़िया, अनार भी हैं। अच्छा, ये इधर मलता डाला खड़ा है, मतलब सब्जी की पहले दुकान है सब्जी। नहीं, ये जहाँ पर बोरा पड़ा है, ये वाली, ये नहीं, आगे 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 पास नहीं पड़ी, इसके पास है, होगी होगी। कई बार बाहर निकल आया हूँ, मैंने सोचा चलो फ्रूट की थोड़ी इंजॉयमेंट तो कर लूँ। यार ये अंगूर तो वो हैं, दूसरे सुंदर खानी है। अच्छा, इसका क्या रेट रूट है आजकल? इसका 400। 400? अच्छा, मैं अपनी मिनी बैंक चेक कर लूँ, मुझे नहीं लगता कि 400 होगा। एक बार चेक करते हैं, क्योंकि ये ले चलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है, बच्चे भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। अनार भी आ गया, वाह जी वाह, ये भी देखें। फ्रूट वगैरह लेके वो रख दिए हैं माशाल्लाह। इधर देखें, सेटिंग मेटिंग की जा रही है। यार कार अंदर से ठंडी है, बाहर माशाल्लाह बहुत ज्यादा ठंड है, अंदर को ठंडी है। अच्छा, सही हो गया। यार सामान वगैरह लेके बस वापस चल पड़े हैं, क्योंकि बस सामान ही लेना था, छोटा मोटा फ्रूट्स वगैरह, सब्जी वगैरह, ये वो। और न्यू रास्ते से वापस जा रहे हैं। ये क्या हुआ पड़ा है? लड़ाई हुई है मुझे लगता है, इधर लड़ते हैं बहुत ज्यादा, और कभी कभार तो ईंटे वगैरह भी आ रही होती हैं ऐसे। सख्त कांटे वाली लकड़ियां थी जिसके ऊपर से गुजरे हैं, किकर वाली, तो अल्लाह खैर करे। था मैंने कहा टायर का पंचर हो जाए। नहीं नहीं, वो ये बंदों को मारने वाली थी। और पीछे जो है ना, जो दो बंदे बैठे हुए हैं वो खाना शुरू हो गए हैं, और किसी से और से नहीं पूछा कि आपने खाना है कुछ या नहीं खाना। यार ये कोई बात है, अटेर रहे हो? हाँ जी, केले करके शुरू हो गए हैं। नहीं, ये उन्हें पता है ना कि अगर ड्राइवर को पूछते हैं कोई चीज खाने को, वो इधर आ जाएगा फिर गाड़ी। चलो आपकी तो समझ आती है, मैं तो वेला बैठा था, मुझे भी नहीं बोला। वही मैं कह रहा हूँ, मुझे भी नहीं बोला। उसका भी जवाब
उसका भी जवाब आ गया है पहले। आप यही वीडियो फिर देख लेना, मैंने बोला या नहीं बोला पहले, पहली बार पता नहीं देखा है, पता नहीं क्या चढ़ गए, अल्लाह माफ करे। चलो कोई ना, हम भी कभी खाएंगे, कभी खा लेंगे, सही बात है, हमें भी मौका मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। वापस पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। यार मेरा भी एक आइटम है यार इधर, मैं तो जा रहा था यार। ये अंगूर तो दे देना, ले लें भाई आप ले। ये था ओ भाई जान, ले जाए जितना गोल उतनी मीठा, जितनी पैसे भरे हैं यार। ये को हाथ मारा कहता ये अंगूर है भाई। यार मैंने तो वही लिया, 200-400 में फर्क भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये वाले तो दो, ये भी मेरे थे, ये जापानी। भाई जान आप जाएंगे या मैं पहुँचा हूँ बाप भी। अच्छा जा रहा हूँ। ये वाला अंगूर माशाल्लाह हम लेके आ चुके हैं, अभी इनकी करेंगे धुलाई। ठीक है, धुलाई वगैरह करके इसको बर्तन में डाल के मिल बैठ के सारे खा लेंगे। उसके हाथ धुलवाए हैं और उसके बाद फिर हम मौजें करेंगे। मौजें पहले भी बार चेक करें। वो जी वो, ये है जी सुंदर खानी, अंगूर नहीं बोलते इसको, ये है सुंदर खानी। इसकी वकार अमन ने धुलाई कर दी है और अब इसको हम खाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपने हमारे साथ बैठ के खाना तो आ जाओ। हाथ मुंह धो लिया? हाँ, पक्की बात है? हाँ जी। अच्छा अब मैंने धोवा लिया। आपने भी धो लिया? अब ये आप पहले कपड़े तो पहन लो। तो हम शुरू करते हैं व्यूअर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयारी बन गई? हाँ। वाह जी वाह, कंघी भी हो गई। अब क्या खा रहे हो? क्या बोलो बोलो बोलो, क्या खा रहे हो? सुंदर खाने। क्या खा रहे हो? सुंदर सुंदर खा रहा हूँ। ये इसको छेड़ो, सुंदर सुंदर खानी खानी, ये है सुंदर खानी। ठीक है हाँ। खानी हो तो आ जाओ, वरना हम तो खा रहे हैं। ओके सुंदर खाना। अब वीवर उस दिन ना जो चक्की हम ले आए थे वो इसका यूज़ मैंने आपको नहीं दिखाया था, तो ये देखे चक्की में गंदम फुल हो गई है। गंदम मतलब टमाटर, मिर्चें, प्याज, अदरक, लहसुन, हर चीज़ हमने अंडेल दी। अब शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुखे रुखे, एक तो चक्की ना मुझसे काबू नहीं होती, ऐसे कर लेता हूँ ऐसे। हाँ टूटती टूटती है, मुझे लगता है। हाँ हो रहा है हो रहा है। हाँ जब एक बार खेड़ जाए ना फिर आसरा नहीं करती, ऐसी चक्की है यार। हो जा हो जा हो जा, रगड़ जाओ रगड़ जाओ। पहले दिन ना चलाना नहीं आ रहा था, ऐसे पीछे घुमा के फिर आगे चलाना होता है, फिर पीछे घुमा के फिर आगे चलाना होता है, तब ये बनाती है। क्योंकि वो रास्ते में ना थोड़ी अटक जाती हैं, जो चीज़ अटक जाती है फिर उसका मसाला नहीं बनता। यार ये दूसरी साइड तो कमा ही नहीं रही है इसकी, छाप जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, जान दे गड्डी बार बार उस्ताद। चक्कियाँ सोनियाँ, पुराने ज़माने में ना अब रेल वाली जो चक्की होती थी ना लोगों की, वो चलाया करते थे। हमसे ये निक्की जही मिनी सी लिटल सी गुड़िया सी ये नहीं चल रही है, वो पता नहीं कैसे चला लेते थे। रेल वाली चक्की वो बड़े वाली, काफ़ी कचूबर हो चुका है, अब बस रह गया थोड़ा सा, ये बना के मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ कुछ ऊपर फंस गई हैं, इनको नीचे कर देते हैं ताकि ये भी रगड़ी जाए। सबसे तेज़ ना मिर्ची, मिर्ची की रगड़ जल्दी रगड़ी जाती है मिर्ची। टमाटर जो है ना ये थोड़ा भीगा भीगा सा हो गया। ओ यार सीधा हो जा, तू तो जिद कर गया है कसम से। दोबारा माशाल्लाह माशाल्लाह। चला जी उस्ताद, जान दे उस्ताद। हाँ हाँ तय करने दो। हाँ चलो, अच्छा शाबाश, तेरी खैर।
इतने टाइम तक कुनी पक गई होती। अब पाया है टमाटर, बस एक पीस रह गया, घबराने की जरूरत नहीं है, एक पीस रह गया, उसकी भी वारी आने वाली है। चल भाई जान दे, हाँ इधर नहीं फंसो भाई, ये इधर फंसो, थोड़ा बैक, फिर अंदर थोड़ा बैक आ जाओ। चलो जी जान दो जान दो जान दो उस्ताद जी, जान दो जान दो जान दो। तकरीबन हमारा जो मिसाला है वो रेडी हो चुका है, अल्लाह पाक के फजल करम से, माशाल्लाह से। और अब बस आपको एंड इसका दिखाना है कि एंड हीरो का होता है, ठीक है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो 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 चलो, मैं ये फाइनल कर लूँ इसको, फाइनल। फाइनल 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 फाइनल। किसने मारा है वकार को, किसने मारा है? हाँ पीवर, वो मिसाला सारा तैयार हो चुका है, बस अब इसको ऐसे खटखटा के फाइनल कर देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये है, हैं चक्की, बड़ी जालिम चीज है यार, जालिम पता है किस चीज को, अच्छी चीज को जालिम बोलते हैं। और ये अब इसको रख देते हैं, अब इसका जो अगला सेटअप है वो जाने, कैमरा मैन जाने, इधर अंगूर है, अब ये भी अटेर गया हुआ, तो मिलेंगे थोड़ी देर बाद। कितनी थोड़ी देर बाद मिलेंगे नेक्स्ट, ऊपर उठो, हाँ उधर बोलो, मिलेंगे नेक्स्ट, उधर बोलो, मिलेंगे नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, लेट्स गो। वीवर माशाल्लाह चेक करें, आज हमने बनाया है शरीफ, और वो भी बड़ा ही प्यारा और घाटा घाटा। और इधर देखें ये भी माशाल्लाह, रोटियां भी आ चुकी हैं, अगर किसी ने हमारे साथ बैठ के खाना आ जाओ, वरना हम तो खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुमसलाम, और ये खाना खाएं, मैं अभी ही खा के आया हूँ, माशाल्लाह जी खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, बिस्मिल्लाह जी हिंदी। हाँ वो तो मुझे पता है, मैं साथ ही था, मैं अभी अभी खाना खा के आया हूँ। ये भिंडी जो बनी हुई है ना, जिस तरह हम बनाते हैं, ये उस तरह बनी हुई है, चेक कर जरा।
अच्छा वैसे एक ऊपर के चेक नहीं, वो आप अलग डिजाइन से बनाते हो आप क्या? ये देखो ना कैसी है रस्सी इधर है चिकनी में ऐसे खा कर बताए। अब उसने तो खा ली, को बताएगा कैसे? मुंह में तो निवारा है, खा के फिर बताए। अच्छा मैं आता हूँ फिर बताता हूँ। ओके ओके जा रहा हूँ उधर कढ़ाई की तरफ। नहीं माशाल्लाह सुपर पक्की है, इसमें वो सारे मसाले वगैरह सारे ऐड किए हैं ना। हम बनाते हैं सिंपल, थोड़ी सी सब्ज़ी मिर्ची डाल के ओके कर दिया। ये बिल्कुल परफेक्ट है, वीआईपी अच्छी है, लेकिन इसकी एक वजूहत बनती है हमारे साथ, वो ये बनती है कि खुश्की करती है। अच्छा। मसाले वाली जो होती है पानी पी के ना हमें वो करती। और दूसरा वो जो सिंपल होती है वो कुछ सस्ती भी पड़ जाती है, मतलब एक किलो भिंडी 10 रुपए की मिर्च है, मिसाले बच जाते हैं। चलें जी माशाल्लाह खाएं पिए मौजें करें, अभी चलते हैं इधर। अब्बू जान माशाल्लाह आए हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। रोटी मैं खाया ते तुसा सोम वन्यो ला जेड़ा काम आखे वे ओला करूं। वीवर कमरे में इंटर होते ही कुछ ऐसे नज़ारा होता है, रात के टाइम फूल चमक रहे हैं और इसको देखें ये पढ़ रहे हो सारे उभरे हैं उभरे। तो ये कुछ माहौल है जी, ठीक है। और इस साइड पे ऐसे सामने ये देखें, ये ऐसे दीवार बनी हुई है और ऊपर का कुछ यूं नज़ारा है। ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि नाइट में ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है, सामने एलसीडी और माहौल एकदम ज़बरदस्त सा लगता है, बहुत प्यारी लग रही है। हाँ आपकी शादी में सेज वगैरह थी? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बस एक चार पे थी। किस साल में शादी हुई थी? 2007 में। 2007 में? हाँ। मतलब के मैंने तकरीबन पेपर दिए थे 2010 में, पता नहीं 11 में मैट्रिक के, तो आप उससे भी 5 साल पहले शादी। नहीं आपकी उम्र क्या है? बहुत जल्दी शादी कर देते हैं, तकरीबन आईडी कार्ड के मुताबिक 34-35 साल बनती है। अच्छा रियल तकरीबन इतना होगा। मतलब 92-93 तकरीबन 90 के सदी वाले हो। मैं भी उसी का हूँ, मेरी है रियल जो उम्र है वो है 92 और जो आईडी कार्ड वगैरह पे है वो है 96। मतलब 4 साल स्कूल वालों ने मुझे छोटा किया था ताकि आगे परेशानी ना हो। आपकी क्या उम्र है? रियल वाली? हाँ ये मुझसे काफी बड़ा है। और रियल वाली कितना है? वो भी 88 है? नहीं वो पीछे है तकरीबन 86 की पैदाइश है मेरी। 86 की मतलब 24-24-48 ऐसे बनेगा? नहीं नहीं 14 और 24 38 बनती है। ये आपकी मतलब खाना पीना खुराक अच्छी होगी, कोई देसी घी दूध ये वो? ये इसने पूरी जिंदगी ड्राइवरी में गुजारी। अच्छा अच्छा। हाँ होटलों की रोटी खा खा के ना इसकी बेचारे की सेहत अब डाउन हो गई है। अच्छा अच्छा चले हम तो देख सकते हैं दाढ़ी माशाल्लाह हमारी वाइट है, सर के बाल भी वाइट हैं। हाँ बस आप तो बुढ़ापे की तरफ ही जा रहे हैं ना। मैं तो हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बूढ़ा हो चुका हूँ, नो टेंशन। नहीं दिमाग जो है ना जवान रखना चाहिए, दिमाग दिमाग में बंदा ये डाल देता है ना कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। हाँ। वो बूढ़ा हो गया है, ऐसे समझो कि हो गया है। हाँ वो दिमाग में ये रखता है कि मैं अभी जवान हूँ, मैं बूढ़ा नहीं होगा, वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता। हाँ मेरा मामू है, मैंने उसको ऐसे बुढ़ापे का बोला था ना, तो वो बोलता है बुढ़ापे की ऐसी की तैसी अभी मैं जवान हूँ। और चलें सही है जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ओके जी अल्लाह हाफिज। वीवर एक मिनट वेट, मैं कैमरा चेक कर लूँ कि सही आ रहा है कि नहीं। सही आ रहा है? तो यहाँ पर बैठा मैं कैसा लग रहा हूँ ये देखें, माशाल्लाह
फूल माहौल आपने देखा तो नहीं होगा ना, मतलब मेरी शादी कैसी हुई, हमारी सेज कैसी थी। मैं थोड़ी सी आपको हकीकत बता दूं हमारी शादी कैसे हुई। हमारी शादी यूं हुई कि बहुत ज़्यादा गर्मियां थी, बहुत ज़्यादा जैसे होती हैं, इधर से जो बारात गई थी वहां पर कुछ मतलब अगर 50 बंदा था तो 25 बेहोश हो गया। फिर शाम के टाइम ना जहाँ पर मेरी मतलब मेरी घर वाली की रुख्सती होनी थी, मैं उस घर में मौजूद था। आंधी आ गई, जल्दी जल्दी से दुल्हन ली और कार में बैठ गया। अब जहाँ जिस साइड पे आंधी आ रही थी हम भी उसी साइड पे आ रहे थे। वहाँ जतुई से लेकर खानपुर तक आंधी ने ऐसा शोर मचाया कि इंतहा हो गई। अगली बात सुने, जैसे हम यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि वो होते हैं ना साथ में सालियाँ और भी बहुत सारी औरतें होती हैं, वो थी सारी बस पे, एक औरत सिर्फ साथ में थी। और हम जैसे इधर पहुँचे, एक तो यहाँ पर ना किसी के पास चाबी थी ना ही दरवाजे ओपन थे। पहले तो वो कार वाला भूल गया, वो धुपसड़ी में ले गया, मतलब दूसरी साइड पे। मुझे ना शुगर मिल पे आके नींद आ गई थी, तो वो ले गया दूसरी बस्ती में उधर। हाँ, फिर मुझे जगाया, बोलते हैं कि यार किधर जाना है हमने। फिर मैं उठा, मैंने देखा, फिर उनको ले आया। इधर से रास्ता नहीं था पहले, अभी ये पुल अभी बनी है, पहले नहीं थी। तो मुश्किल से हम पहुंचे जी घर। घर पहुंच गए, आगे ताला लगा हुआ था। अब क्या करें यार, ताला लगा हुआ है। फिर ताले को तोड़ा, अंदर गए, बैठे। बारात पहुंची थी तकरीबन कोई रात के 12 बजे और हम पहुंच गए थे 8 बजे, और 4 घंटे लेट आई है। तो ना ही कोई सेज, ना ही कोई निज़ाम, ना सिस्टम, कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि अभी यहाँ पर ना थोड़ा इंजॉय कर लूँ। चलो, सेज वैसे भी बनी हुई है और माहौल भी जबरदस्त है। कैसे अल्ताफ भाई? जबरदस्त। चले, उस वक्त आपने सेज नहीं देखी थी। हाँ, आज मैंने वो वक्त याद करके आप इधर चले, लेट जैसे। नहीं, लेटना भी नहीं है और सोना भी नहीं है। वैसे भी हम दिन में चाचा रशीद होता था, अब्बू होते थे, मैं होता था, अभी भी हैं, मतलब इधर बैठ के ना हम वैसे भी कोई वो जानवर वगैरह डिस्कवरी चैनल वगैरह लगा के ना वो देखते थे, या फिर पुराने भी लोग जैसे बैल का जोड़ा होता था वो कुएं वगैरह ऐसे चाचा रशीद को अब्बू को मैं दिखाता था। तो वीवर, आज का जो व्लॉग है ना, इसका भी इसी सेज में बैठ के हम एंड कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आज वाली वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। और मेहमान जो आए हैं माशाल्लाह, इन काफ़ी दिन बाद इधर पहुँचे, कुछ दिन अल्ताफ भाई के घर में रहे हैं। और उसके बाद मैं तो बोलता हूँ अभी फिर मौज़म की शादी होने वाली है। नहीं, अभी उसे काफ़ी देर है, फिर वापस आएंगे इंशाल्लाह। नहीं, बहुत देर किधर है, आज 6 डेट है ना, कम अज कम 15-20 दिन तो है। 20 दिन? हाँ, तो 15-20 दिन है। 15-20 दिन गुजरने में कोई पता भी नहीं चलता। वैसे टाइम तो बहुत जल्दी गुजर रहा है, इतनी तेजी से गुजर रहा है, पता भी नहीं चल रहा। हाँ, लेकिन 15-20 दिन है बहुत बड़े, इसमें जो है ना काफी हमारे काम पीछे पड़े हैं। सही, वो कुछ समेट लेंगे, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे इंशाल्लाह, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। तो मुअज्जम की शादी भी बहुत करीब है और उसकी जो सेज सजाएंगे उसका माहौल ही अलग होगा। और इसका भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा माहौल है, लेकिन इसको 2 दिन हो गए, थोड़ी परूथी हो गई है। पता नहीं इधर क्या इसको उतारेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। और अभी हम चलते हैं वापस अपने घर और वीडियो को यहीं पर कर रहे हैं एंड। तो अभी दे मुझे इजाज़त, रखिएगा दुआ में, याद मिलेगा नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वाह जी वाह।